कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के सरसौल गांव में अज्ञात चोरों ने दो दुकानों को निशाना बना लिया। चोरों ने दुकानों से करीब 1,00,000 नकदी चोरी कर ले गए। सुबह होने पर पीड़ित दुकानदारों ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। जानकारी के अनुसार महाराजपुर क्षेत्र के सरसौल निवासी राकेश गुप्ता ने बताया कि कस्बा में मकान है। मकान के नीचे चूनी चोकर की दुकान है। रविवार की शाम दुकान के शटर में ताला लगाकर सोने चले गए। सोमवार सुबह दुकान खोली तो बक्सा खुला पड़ा है। राकेश ने बताया कि गुल्लक से लगभग 30,000 की नकदी चोर चुरा ले गए। इधर उधर छानबीन की गई तो पता चला कि चोरों ने बगल की दीवार पर सेंध लगाकर दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने पड़ोस के ही रहने वाले विनय जायसवाल की दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे और चोर बक्सा चुरा ले गए। विनय ने जानकारी देते हुए बताया कि बक्सा में जरूरी कागजात व लगभग 71,000 रुपए रखे थे। पीड़ित ने बताया कि उसके बेटे आयुष की तबीयत खराब है, जिसका इलाज PGI में चल रहा है। उसने इलाज के लिए रुपए इकट्ठा किए थे जो चोर चुरा ले गए। उधर सरसौल के नगरा गांव निवासी अरविंद पाल ने बताया कि वह रात में खेतों की रखवाली कर रहा था। तभी रात को करीब 3 बजे 3 से 4 लोग खेतों की तरफ आते दिखे। तभी वह डंडा लेकर उनकी तरफ दौड़ा तो उसने कटे से फायर किया, जिससे उसको चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले की छानबीन की तो पता चला सरसौल स्थित BRC स्कूल की दीवार काट कर चोर आए और वारदात को अंजाम दिया। CCTV फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। वहीं इस संबंध में महाराजपुर थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। महाराजपुर से संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या मामला हुआ है भाई? नकब कार्ड की चोरी। नकब कार्ड को चोरी किया, कितना माल गया लमसम? अरे रखा रहा है माल, कब ऐसा काट दिया? कितना रुपया गया लमसम? 25,000। क्या घटना हुई उमर जी? मामले के एक आदमी चक्कर में पीछे आया था, हम थोड़ी जानते थे बदमाश है। एक आदमी के चक्कर में पीछे जा रहा था, उसको रोका, रुको नहीं रुका। यहाँ से किधर से आया था? ट्यूबवेल से आ रहा था। ट्यूबवेल से आ रहा था, किधर को गया? इधर ही गया सर। इधर ही गया, आपने उसको रोकने का प्रयास? रोका, बुलाया नहीं, बोला फिर आके जगह जो दौड़ लगा कर गिरा दिया हमारा नाम। अच्छा, तो उसके बाद 3:20 की बात कुछ बोला? कुछ बोले नहीं, जो मारा लगा दूसरा वाका देखो, दूसरा तो वो जो हमें लगे तो वो हमारे मारे कुछ तो हो गया, मारा तो दिख मारा लगते लगे तकरीबन कितने लोग? अच्छा, जो फायर किया है वो किसकी आवाज थी? नहीं, हमें तो दिखान कट्टा है, आवाज आ जाएगी रही है, हम दीख टार्च लगा के जी। कितने युवक थे समझो? 4 लोग। 4 लोग थे। उनके हाथों में कुछ था? नहीं, तो कुछ का बता तो रहे जो कट्टा रहा है सर, कट्टा रहे। अब वो कुछ हो कहा है? कुछ भी हमारे यहाँ चोरी हुई है। कितने की हुई है? 71,000 रुपए। और क्या क्या गया है? हमारा वो गया है, पूरी बोलत चली गई, सारे अपडेट चले गए। पुलिस को सूचना थी। पुलिस ने हमको बताया कि तुम्हारा शटर टूटा हुआ है और पुलिस ने ही उसको दबवाया, बंद कराया। सर आइए, क्या घटना सरसौल में? क्या घटना, क्या कौन सी जगह थी? सरसौल कस्बे में एक दुकान थी, खाद थी, उसमें आज एक चोरी हुई है और उसमें कुछ सामान उनका ले गए हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि 70,000 रुपए ले गए हैं। बाकी उसमें टीम लगी हुई है, कार्रवाई की जा रही है। सर किसान के साथ मारपीट भी हुई है? हाँ, रात में ही कुछ लोग जा रहे थे उसी रास्ते से, तो किसान वहाँ अपने खेत में था, वहाँ किसान द्वारा बताया गया कि कुछ लोग आ रहे थे, उससे धक्का मुक्की हुई है। बाकी किसान ने कुछ और तथ्य बताया है जिसकी जाँच की जा रही है, और फायर होने की भी जांच की जा रही है और तहरीर मिलेगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी।